हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बायोमित्र में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है द न्यूक्लियस। जो ये सिलेबस मैंने लिया हुआ है वो एमएससी जूलॉजी के सिलेबस के हिसाब से मैं ये पूरा नोट्स आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपको सिखाने या बताने या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि न्यूक्लियस है क्या। इवन इसको आप जो एग्ज़ाम पेपर में आता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों के ही नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन आप जो ये नोट्स है आप अगर उससे भी आप लिख के बना सकते हैं, अपना मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। द न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं। द सेल, सेल क्या होता है? सेल सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लाइव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सेल को रिकैप करने के पीछे रीजन ये है कि न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ द सेल, ऑल द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल इज़ द, आपका सबको पता है कि ये यूनिट होता है लिविंग सेल, जो ही जो जुड़ जुड़ के ये टिश्यू का फॉर्म करते हैं, अंत में जाके बॉडी का फॉर्म करते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप सबको पता है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑल लिविंग सेल्स जो भी हैं, जो जितने भी ऑल लिविंग सेल्स हैं, दे कम्स अंडर द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स का, ये सेल का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको रिकैप करने के लिए, आपको न्यूक्लियस थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सके, उसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। ये जो आप ये आउटर रेड लाइन देख रहे हैं, रेड आपके सर्कल में देख रहे हैं, ये आपका ये जो पोर्शन है या जिसको आप बोलते हैं, दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब आप इसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ द पार्ट न्यूक्लियस, और हम आज इसी न्यूक्लियस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस आपके सेल के अंदर पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अलावा आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका गॉल्जी अपरेटस है, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो कि एम्बेडेड इन द जो लिक्विड फॉर्म में आपके सेल के अंदर होते हैं, दैट इज़ द मेम्ब्रेन रिसेप्टर, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, जो कि सेल मेम्ब्रेन या कोई भी सेल से या आपके से मेम्ब्रेन से इनबाउंड नहीं होता। न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर इनबाउंड होता है, दैट इज ये न्यूक्लियस इन्वेलप है। लेकिन जो न्यूक्लियोलस होता है वो किसी भी इन्वेलप में बाउंड नहीं होता, वो नहीं घिरा होता है। इसके अलावा आरएनए आपके स्कैटर्ड होते हैं। आपको पैसे पता है कि सेल के अंदर आरएनए जो है ये स्कैटर्ड होते हैं टू होल सेल, बट डीएनए जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपके भरे होते हैं, दैट इज वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के पीछे रीजन मेरा ये था, क्योंकि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सही हो सके कि न्यूक्लियस एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस की अगर बात कर लें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि अभी हम बड़े स्तर पर डिस्कस करेंगे। और जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, जो कि ये डुअल मेम्ब्रेन का होता है, ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है। इसके अंदर आपको ये क्रोमेटिन दिख रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्केलेटन, जो कि आपको न्यूक्लियस को रिजिडिटी देता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इन सब चीज़ों का हम लोग बाद में जाके एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंदर आपका न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये कार्ड, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, ये कहे जाते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का बेसिकली काम होता है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल सेल से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में किस तरह से मूव करता है, वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। ये न्यूक्लियर के अंदर जो ये गोला सा आपको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, है ना। तो उस चीज़ को भी एक कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख जाएगा कंपैरिजन, ये आप भी अपने कॉपी में जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने आपको जो बताया था, है ना। बट न्यूक्लियर ये कोई भी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियस इट कंटेन्स क्रोमोजोम्स, बट
न्यूक्लियोलस इट डज नॉट हैड एनी क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, बट न्यूक्लियोलस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल आपका तो नहीं, वो यूज होता है मैसेंजर टीआरएनए में, आरएनए में, तो वो जो होता है वो आरएनए रिच होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस में, पहला तो आपका ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड का कोई लिमिटेशन नहीं होता। न्यूक्लियस क्रोमोजोम कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस में कोई क्रोमोजोम नहीं होता है। न्यूक्लियस आपका डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है उसको हेड ऑन करता है, और न्यूक्लियोलस आपका आरएनए रिच होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली है क्या न्यूक्लियस। इन सेल बायोलॉजी द न्यूक्लियस लैटिन वर्ड है मीनिंग सीड, इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीड। सीड वर्ड इस वजह से क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसका स्ट्रक्चर सीड जैसे होता है, दैट इज इसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड मैंने आपको जैसे दिखाया था इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में मतलब ऑल लिविंग सेल्स में जो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हीं में ही पाया जाता है। दैट्स मीन क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यूकैरियोटिक यूजली हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें एट लीस्ट आपका सिंगल न्यूक्लियस तो होगा ही, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल हैं जैसे ममेलियन सेल आपका रेड ब्लड सेल्स है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना, बट ए फ्यू सेल टाइप्स सच एज ममेलियन रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्ली, ठीक है। और ये तो एक्सेप्शन हो गया कि रेड ब्लड सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसके अलावा एक्सेप्शन ये भी है कि ऑस्टियोक्लास्ट्स बोले जाता है कि आपका जो बोन टिश्यू होता है या बोन सेल्स होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप लर्न कर सकते हैं या आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि सारे यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स उसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, बट ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है जो सेल होता है उसमें एक से ज़्यादा मतलब कई न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया हुआ है, मे बी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ बोन सेल दैट ब्रेक्स डाउन बोन टिश्यू और द सेल्स that degrade bone to initiate normal bone remodeling and mediate bone loss in pathogenic condition by increasing their resorptive activity. The function is critical in the maintenance, repair and remodeling of bones of the vertebral skeleton. Means क्या है, bone cells या bone tissue मतलब जो भी bone से related जो cells हैं उसके बारे में, उन सारों को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है और उसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होती है। इट आल्सो हेल्प रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी फ्लूड में उसको ये मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बॉडी में कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल सिग्नलिंग या सेल मैसेंजरिंग, क्योंकि यही सारे मैसेंजर्स को सेल्स टू सेल कन्वर्ट करता है या ट्रांसफर करता है, ठीक है। द मेन स्ट्रक्चर मेकिंग अप द न्यूक्लियस आर द न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे मैंने पहले दिखाया था कि आपका न्यूक्लियर में इस तरह का ये एनवेलप बना होता है ना। ए डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द एंटायर ऑर्गेनेल and isolate its content from the cellular cytoplasm। मतलब ये जो cytoplasm है, जो cytoplasmic fluid है जो सेल में पाया जाता है, ये जो आपका nuclear envelope होता है ये cytoplasm से अपने आप को अलग रखती है, ठीक है ना।
एंड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियर लैमिना ए नेटवर्क विद इन द न्यूक्लियस दैट एड्स मैकेनिकल सपोर्ट मच लाइक द साइटोस्केलेटन सपोर्ट द सेल एज ए होल। मैं वही बात कह रहा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर भी जो आपके साइटोस्केलेटन के सपोर्ट करती हैं, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्रोमैटिन पाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होती है उसकी जो जो साइज है या उनकी क्या जो अस्तित्व है जो प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस है उन सारी को या शेप ऑफ द न्यूक्लियस है उसको मेंटेन करती हैं। द सेल न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द सेल्स जीनोम एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड इन प्लांट सेल प्लास्टिड डीएनए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो ह्यूमन बीइंग में या दूसरे एनिमल में या ऑल यूकैरियोट्स होता है उसमें डीएनए ही जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी फॉरवर्ड करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। मीन्स द डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस इज द मेन यू कैन से कि जो मेन पॉइंट होता है मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इट इज इम्पॉर्टेंट द डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। उसमें एक एक्सेप्शन है, कुछ स्मॉल अमाउंट का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, है ना। एंड प्लांट सेल्स में प्लास्टिड डीएनए पाया जाता है। प्लांट सेल्स में भी कुछ डीएनए पाई जाती हैं आपका उसको प्लास्टिड डीएनए कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज मल्टीपल लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल इन ए कॉम्प्लेक्स विद ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। कह रहे हैं न्यूक्लियर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड, जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज होती है इन सच ए वे लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल्स तरह जो कि विभिन्न प्रकार के लार्ज प्रोटीन के साथ मिलके हिस्टोन्स का फॉर्म करती हैं या हिस्टोन के साथ जुड़ के वो क्रोमोसोम को फॉर्म करती हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म द क्रोमोसोम्स। मीन्स न्यूक्लियर के अंदर डीएनए पहले से हो गया, डीएनए के साथ उसमें जो हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है प्रोटीन पाई जाती है दो द बॉन्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द क्रोमोसोम्स। दैट्स क्रोमोसोम्स हैविंग द जीन्स ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मीन्स पेरेंट टू द डॉटर अ सन, अंडरस्टैंड। The genes within these chromosomes are structured in such a way to promote cell functions. आपको जैसे पता है कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है या कुछ भी होता है तो वो डिपेंड करता है जीन के एक्सप्रेशन के हिसाब से। जीन में जिस तरह से कोई भी एक्टिविटी का कोडन फीडअप होता है उसी हिसाब से बॉडी एक्सप्रेस करती है। तो सेल फंक्शनिंग का भी जो जो लाइनअप होगा या जो शेड्यूल होगा वो भी जीन के हिसाब से ही होगा। एवरीवन हैज द जेनेटिक कोड इन फॉर्म ऑफ द जीन्स। जीन्स आर एम्बेडेड इन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम फाउंड इन द न्यूक्लियस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन्स एंड डीएनए। एंड दिस जेनेटिक कोड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड इट प्रमोट्स द सेल फंक्शन। बिकॉज बिना जीन एक्सप्रेशन के बिना जीन मैसेंजर पहचान होने से कोई भी सेल फंक्शन नहीं कर सकता, है ना, क्लियर। द न्यूक्लियस मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। द न्यूक्लियस इज देयर फॉर द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जीन ही होता है जो कि पूरे शरीर में या पूरी शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, और जीन ही पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। द न्यूक्लियर एनवेलप इज इम्परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर पोर्स आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द एनवेलप। मैं वही बात कर रहा था, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप में ये कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय द कंटेंट ऑफ द सेल, या यू कैन से कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय द साइटोप्लाज्म बाय दिस न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप एक्ट लाइक एज बैरियर विच
holds the cytoplasmic material outside of the nuclear envelope to extend its standard या its integrity, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मटेरियल जो साइटोप्लाज्म है या बाहर, या इस तरह से समझिए, ये जो साइटोप्लाज्म, इस तरह से आप समझिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो एक्सचेंज तो चाहिए ना दोनों के बीच में। इसी एक्सचेंज हैपन हो सके इसलिए इस न्यूक्लियर इन्वेलप में आपको इस तरह की पोर दिखाई देते हैं, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है कि कोई भी मैसेंजर पार्ट या कोई भी मटेरियल हो या कुछ भी हो, या जो जो ट्रांसफ़र होना चाहते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होता है। बट देयर इज ए कंडीशन कि मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड आरएनए थ्रू द पोर इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ जीन एक्सप्रेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। मींस ये तो हो गया कि जो क्यों चाहिए हमें प्रोटीन एंड आरएनए, मतलब प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन इज द बेसिक सोर्स ऑफ द यू नो एनर्जी या समथिंग मेंटेनेंस। तो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन और आरएनए इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू एंटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। उनके मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी, तो वो जरूरी होता है कि न्यूक्लियर के अंदर आए, ठीक है ना। इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सब कंपार्टमेंट, इट्स कंटेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉडीज एग्जिस्ट मेड अप यूनिक प्रोटीन्स आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे अभी हम डिस्कस कर ही चुके थे, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज इज द न्यूक्लियस विच इज मेनली The best known of these is the nucleolus, which is mainly involved in the assembly of ribosomes. After being produced in the nucleus, ribosomes are exported to the cytoplasm where they translate messenger RNA. जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, what is the difference between the nucleus and nucleolus? वही बात हो रही है कि nucleolus में ribosome पाए जाते हैं, जो कि राइबोसोम्स का एक्सपोर्ट करते हैं टू साइटोप्लाज्म वेयर दे ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ से वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बाय द मैसेंजर आरएनए विच आर कन्वर्टेड बाय द राइबोसोम्स और जो कि राइबोसोम आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, है ना। तो अभी एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि न्यूक्लियर एनवेलप में जो प्रोटीन्स है, आरएनए है, वो किस तरह से न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ सकते हैं, वो उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे। मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, या फिर कैसे होता है कि जहाँ पर ये सपोज करिए आपका ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन इन द न्यूक्लियस, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटीन आएगा, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन मिक्सअप अपने आप को इक्वल करना चाहेगा या एवरेज करना चाहेगा, तो हायर कंसंट्रेशन से प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। अगर यही प्रोटीन या आरएनए का कंसंट्रेशन अगर न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है, तो अगर हायर कंसंट्रेशन से आरएनए मींस न्यूक्लियस से आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा, है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल्स। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि बहुत बार अभी तक हायर उसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ भी एग्जाम में पूछ ली जाती है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिएगा। न्यूक्लियर एनवेलप एंड पोर्स। द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ
two lipid bilayer membrane that in eukaryotic cells surround the nucleus which encloses the genetic material. मतलब न्यूक्लियर इनवेलप लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती हैं जो कि न्यूक्लियर के चारों तरफ पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये सारी जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, एंड आरएनए जो कि पाया जाता है न्यूक्लियोलस में, उसको चारों तरफ घेरे रखती हैं, मतलब न्यूक्लियस को घेरे रहती हैं, बिकॉज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. तो न्यूक्लियर इनवेलप आपका लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, है ना. द न्यूक्लियर इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इट इज यूजली अबाउट 10 to 15 nm वाइड. ये इस तरह की ये जो बात की जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ये बाहर बनाएं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लिपिड बाइलेयर है. लिपिड की दो लेयर से ये स्ट्रक्चर बनी है. ये फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड, ये सेकंड लेयर ऑफ लिपिड, है ना. ये दो लिपिड की बाइलेयर हैं जो कि दोनों आपस में जुड़ के ये लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करती हैं. जो इसके बीच का ये जो स्पेस है, जो स्पेस है, इसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस. लिपिड बाइलेयर के बीच में लिपिड बाइलेयर जो कि ये न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन करता है, ये लिपिड बाइलेयर होता है फर्स्ट लिपिड बाइलेयर और सेकंड लिपिड बाइलेयर के बीच में ये जो स्पेस बचा होता है इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 to 15 nm वाइड होता है. द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, है ना. ये जैसे अभी द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन. अब सेल स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया था उसको जरा सा रेफरेंस लेते हैं. ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है. ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आउटर न्यूक्लियर इनवेलप का है, ये आउटर न्यूक्लियर इनवेलप है, और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर जो ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो टच करता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन. वही बात हो रही थी कि द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस, मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू आगे बढ़ जाता है किसमें, विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में जाके वो जुड़ जाता है, है ना. द न्यूक्लियर एनवेलप्स हैज मेनी न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउज द मटेरियल्स टू मूव बिटवीन द साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस. जो अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर्स, तो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल दैट अलाउज, जो मटेरियल मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज, मींस प्रोटीन्स का, राइबोसोम्स का या आरएनए का जो एक्सचेंज होता है, दैट्स ओनली हैपन बाय दिस न्यूक्लियर पोर, है ना. देन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स कॉल्ड लैमिना फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर लैमिना ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस. लैमिना मीन्स क्या होता है, लैमिना मीन्स होता है फोल्ड. तो ये कह रहे हैं कि जो इनर एस्पेक्ट होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इट इज समथिंग लैमिनर टाइप के फोल्ड करती हैं या लैमिनर टाइप का स्ट्रक्चर बिल्डअप करती हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को, क्योंकि अब वो सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको भी अपना एक सपोर्ट चाहिए, उसके शेप को एग्जिस्ट करना है, शेप को बनाए रखना है, तो सपोर्ट चाहिए. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन चाहिए होता है बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, उसी तरह से न्यूक्लियस को भी सपोर्ट की अपने स्ट्रक्चर को या शेप को बनाए रखने की सपोर्ट की जरूरत होती है, वो लैमिनर से बनता है, है ना. टू लिपिड लेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय न्यूक्लियर पोर्स. यही जैसे भी हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये सपोज ये आपका टू लेयर है, है ना, ये टू लेयर लिपिड बाइलेयर है, ये एक दूसरा लिपिड बाइलेयर है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए न्यूक्लियर पोर्स से, है ना, यही बात हो रही है यहाँ पर. द एक्चुअल शेप ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप इज इररेगुलर. द
एक्चुअल शेप ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज इररेगुलर, मतलब वो टोटल गोला नहीं होता। अभी कैसा होता कि हम लोग स्टडी करने में या पढ़ने में या समझने में उसको हम लोगों ने टोटली गोला कर दिया है, तो एक्चुअली गोला नहीं होता, वो इररेगुलर होता है, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो शेयर्स ए कॉमन बॉर्डर विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी अभी आपको हमने दिखाया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर बॉर्डर कॉमन होता है, वो कॉमन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब आउटर जो मेम्ब्रेन या आउटर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट, वो कॉमन बॉर्डर होता है विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाइल इट इज फिजिकली लिंक्ड, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स फाउंड इन फार हायर कंसंट्रेशन देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब फिजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन वो फिजिकली लिंक्ड होती हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका कंसंट्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है ना। ऑल फोर नेस्प्रिन प्रोटीन्स स्पेक्ट्रिन रिपीट प्रोटीन प्रेजेंट इन मैमल्स आर एक्सप्रेस इन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक नोट कर सकते हैं आप कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो नेस्प्रिन प्रोटीन पाई जाती है ना। नाम होता है, लेकिन नेस्प्रिन के चार फॉर्म होते हैं, नेस्प्रिन 1, नेस्प्रिन 2, नेस्प्रिन 3, नेस्प्रिन 4। तो कॉमन ये है कि नेस्प्रिन प्रोटीन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, और वो चार प्रकार की होती है, ठीक है। नेस्प्रिन प्रोटीन्स कनेक्ट साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स टू द न्यूक्लियोस्केलेटन, है ना। मतलब इसकी रिजिडिटी या आपके जो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस होता है न्यूक्लियस के लिए, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेस्प्रिन मीडिएटेड कनेक्शंस टू द साइटोस्केलेटन कंट्रीब्यूट टू न्यूक्लियर पोजिशनिंग एंड टू द सेल्स मैकेनोनेसेसरी फंक्शंस। मैं वही बात हो रही है कि आपको जो स्केलेटन है या साइटोस्केलेटन जो फॉर्म करती है आपके न्यूक्लियर की फॉर पोजिशनिंग और उसके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए या उसकी स्ट्रक्चर के लिए, तो वो प्रोटीन ही फॉर्म करती है ना। कैस डोमेन प्रोटीन्स ऑफ नेस्प्रिन 1 and 2 आर पार्ट ऑफ द लिंक कॉम्प्लेक्स लिंक ऑफ न्यूक्लियोस्केलेटन एंड साइटोस्केलेटन एंड कैन बाइंड डायरेक्टली टू साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स सच एज एक्टिन फिलामेंट्स आर कैन बाइंड टू प्रोटीन्स इन द पेरिन्यूक्लियर स्पेस। तो कैस डोमेन प्रोटीन जो होता है नेस्प्रिन 1 और 2, वो लिंक कॉम्प्लेक्स होता है। लिंक कॉम्प्लेक्स मतलब लिंकर बिटवीन न्यूक्लियोस्केलेटन एंड साइटोस्केलेटन, है ना। वो डायरेक्टली कैन बाइंड हो सकती हैं, वो बाइंड हो सकती हैं कहाँ से, साइटोस्केलेटन कंपोनेंट से और पेरिन्यूक्लियर स्पेस से। पेरिन्यूक्लियर स्पेस क्या, बिटवीन स्पेस बिटवीन द टू लिपिड बायलेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। नेस्प्रिन 3 and 4 में प्ले ए रोल इन अनलोडिंग इनॉर्मस कार्गो। नेस्प्रिन 3 प्रोटीन बाइंड प्लेक्टिन एंड लिंक द न्यूक्लियर एनवेलप टू साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेस्प्रिन 3 और 4 कार्गो का प्ले रोल करते हैं। कार्गो मीन्स व्हाट, व्हीकल, एज ए व्हीकल प्ले करती हैं किसमें, प्रोटीन को, प्रोटीन लिंक इस कहाँ से, न्यूक्लियर एनवेलप से और साइटोप्लाज्मिक इंटरमीडिएट फिलामेंट तक, है ना। नेस्प्रिन 4 प्रोटीन्स बाइंड द प्लस एंड डायरेक्टेड मोटर काइनेसिस 1। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एज इट फ्यूजेस विद द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर्स। क्या, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एज इट फ्यूजेस विद इनर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर्स। मीन्स क्या करें, ये आउटर, ये सपोज करें ये आउटर न्यूक्लियर है, ये इनर न्यूक्लियर है ना। तो ये डेवलपमेंट में क्या, ये कभी कभी आकर ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। ये आया, ये आउटर मेम्ब्रेन आया, ये इनर मेम्ब्रेन आया, फ्यूज कर गया, तो यहाँ पर एक पोर बना दिया, फिर यहाँ से सेपरेट होके आउटर और इनर मेम्ब्रेन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। इनर मेम्ब्रेन, द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर लैमिना, ए मेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
which stabilize the nuclear membrane as well as being involved in क्रोमैटिन फंक्शन, है ना। तो ये सब चार चीज़ों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अभी तो मैं सिर्फ जो है एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ पहले, मैं अभी रीड डाउन कर रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स को बना सकें। ये सब चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया है। इट इज लाइंड विद ए फाइबर नेटवर्क कॉल्ड द न्यूक्लियर लामिना विच इज 10 to 40 nm थिक एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। लैमिना की बात करें, म्यूटेशन इन द जीन्स दैट इनकोड फॉर द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन कट सेवरल लैमिनोपैथीज। न्यूक्लियर पोर्स, ए न्यूक्लियर पोर इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स नोन एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दैट स्पैन्स द न्यूक्लियर एनवेलप विच इज द डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर की बात हो रही है जो कि एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ पाई जाती है, है ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और वो अभी बात भी हुई थी कैसे बनती है, जब वो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों आपस में आके फ्यूज कर जाती हैं तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्सेस इन द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ ए वर्टिब्रेट सेल। एक वर्टिब्रेट सेल के न्यूक्लियर एनवेलप में लगभग 1000 न्यूक्लियर पोर तक पाई जाती है। द ह्यूमन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज 110 मेगा डाल्टन स्ट्रक्चर। द प्रोटीन्स विच फॉर्मिंग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज न्यूक्लियोपोरिन्स, ठीक है। जो कि प्रोटीन न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करती है या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है उसको न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। इसको आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोपोरिन्स। तो द प्रोटीन्स विच फॉर्मिंग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर नोन एज न्यूक्लियोपोरिन्स। ईच न्यूक्लियोपोरिन्स कंटेन एट लीस्ट 456 इंडिविजुअल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंड इज कम्पोज ऑफ 34 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स। अबाउट हाफ ऑफ द न्यूक्लियोपोरिन्स टिपिकली कंटेन्स सोलिनॉइड प्रोटीन्स आइदर एन अल्फा और ए बीटा प्रोपेलर फोल्ड। द अदर हाफ शो स्ट्रक्चर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली ऑफ नेटिवली अनफोल्डेड और इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन्स। दीज डिसऑर्डर प्रोटीन्स आर FG nucleoporins, so called because their amino acid sequence contains many phenylalanine glycine repeats. Nuclear pore complex allows the transport of molecules across the nuclear envelope. This transport includes RNA and ribosomal proteins moving from nucleus to the cytoplasm and proteins such as DNA polymerase, lamins, carbohydrates, lipids and signaling molecules moving into the nucleus. वही अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मूवमेंट मटेरियल मूवमेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, तो ये सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट होती हैं या एक्सचेंज होती हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज, राइबोसोमल प्रोटीन्स, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस एंड देन बी डिफ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझना यह है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिंपली वो पोर से डिफ्यूज हो जाते हैं, पोर्स की जगह से वो सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं। बट जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिकग्नाइज करना पड़ता है, उनको रिकग्नाइज करना पड़ता है स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस से एंड फिर वो जाके डिफ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स इनटू द और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोपोरिन्स में एक मतलब हर एक पोर्स में एक सेंसिटिविटी होता है या एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द एनी आउटर मटेरियल जिसको कि उस न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो
जो भी मटेरियल आना है उसके पास एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए जो कि न्यूक्लियोपोरिन्स उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर न्यूक्लियोपोरिन्स उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि नहीं ये ठीक है हमारे लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो न्यूक्लियर पोर उसको अलाउ करता है टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियोपोरिन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज नॉट डायरेक्टली एनर्जी रिक्वायरिंग बट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एसोसिएटेड विद आरएनए साइकिल। वही बात कर रहे थे, जो न्यूक्लियोपोरिन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, जहाँ भी हम बात कर रहे थे कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सपोज करिए ये ए प्रोटीन है, यहाँ पर इसकी मात्रा 100 है, यहाँ पर वही ए प्रोटीन है जो कि मात्रा 2 है, तो यहाँ पर ए प्रोटीन का कंसंट्रेशन या वेट ज़्यादा है तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन एरिया से कम कंसंट्रेशन एरिया में वो मूव करेगा और यहाँ पर उसको मूव करने में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए आप। ईच ऑफ द 8 प्रोटीन सब यूनिट्स सराउंडिंग द एक्चुअल पोर प्रोजेक्ट्स ए स्पोक शेप्ड प्रोटीन ओवर द पोर चैनल। द एंटायर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट 120 nm इन वर्टिब्रेट्स। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैमेलियन एनपीसी इज अबाउट 124 मेगा डाल्टन्स। है ना, ये एक बेसिक स्टडी हो गई न्यूक्लियस का, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हो गया कि न्यूक्लियस बना कैसे है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, कैसे काम करता है न्यूक्लियर पोर, कैसे काम करता है। तो एक आपका एक ऊपर ऊपर का एक आपका स्टडी हो गया, एक एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। तो आज के वीडियो में यहाँ और यहीं तक पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अभी तो हमने एक बड़ा जनरल सा पढ़ लिया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो मटेरियल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है और कुछ सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है, स्पेशलाइज सीक्वेंस होता है जो कि न्यूक्लियर पोरिन रिकॉग्नाइज करता है तो एंट्री हो जाती है। तो एक जनरल हमने पढ़ लिया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या थोड़ा और अच्छे से हम कैसे पढ़ सकते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।